नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आपके अपने YouTube चैनल SSC प्रिपरास पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं 12th क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का 6th चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर जयशंकर प्रसाद है, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं काव्यखंड और गदखंड के कुछ चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हों या पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए चलते आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, तो ये जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? तो ये फ्रेंड्स प्रबंध काव्य, सी ऑप्शन सही है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सही है। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स छायावाद काल के कवि हैं। अगला फ्रेंड्स, कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन फ्रेंड्स 1937 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स बनारस में, ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो आंसर होगा छायावाद युग के। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं, ऑप्शन बी सही। जयशंकर प्रसाद के पितामह किस नाम से प्रसिद्ध थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स आंसर होगा सुंघनी साहू के नाम से। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा में कैसी शब्दों की प्रधानता थी? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा में कैसी शब्दों की प्रधान थी? तो आंसर होगा फ्रेंड्स तत्सम। ए नंबर ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? तो ये होगा आंसर कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है, ये ऑप्शन सही है। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद के लिए कौन तरसती है? स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद के लिए कौन तरसती है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स चातकी, बी ऑप्शन सही है, जिसे आप पपीहा समझते हो। अगला क्वेश्चन है, किसका आगमन मनु के जीवन को सुंदर और संपूर्ण बनाता है? किसका आगमन मनु के जीवन को सुंदर और संपूर्ण बनाता है? ऑप्शन होगा सी श्रद्धा का। अगला, मनु किसके प्रतिनिधि के रूप में है? मनु किसके प्रतिनिधि के रूप में है? आंसर होगा निराशा के, ऑप्शन बी सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन होगा डी 30 जनवरी 1989 को। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था, बी ऑप्शन सही है। आंसू जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना है?
काव्य संकलन, आंसू काव्य संकलन है, सी ऑप्शन सही है। कंकाल कैसी रचना है, कंकाल कैसी रचना है, ये उपन्यास है, सी ऑप्शन सही है। तुमुल कोलाहल कला कविता में बरसात को क्या कहा गया है, बरसात को क्या कहा गया है, इसमें फ्रेंड्स सरस कहा गया है, सी ऑप्शन सही है। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद शाह थे, देवी प्रसाद शाह था, ऑप्शन बी सही है। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है, प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो बी इरावती, बी इरावती, इरावती अभी भी अपूर्ण है। प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन सही है। प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है, प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है, ऑप्शन होगा चित्राधार, चित्राधार, डी ऑप्शन सही है। कंकाल क्या है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका था और फिर दोबारा हो गया, तो इसमें आंसर डायरेक्ट होगा उपन्यास। अगला है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद के पिता थे, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन सी सही है। कामायनी प्रसाद की किस प्रकार की कृति है, कामायनी प्रसाद की किस प्रकार की कृति है, ऑप्शन है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, ये ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है, ये क्वेश्चन पहले भी लिखा गया है, तो ये दोबारा हो गया। अगला जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, तो महाराणा प्रताप का महत्व, महाराणा प्रताप का महत्व, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन की चंचलता से, मन की चंचलता से, ऑप्शन डी सही है। सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, तो आंसर होगा रूपक, डी ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, तो नाटक, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, तो नाटक है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। कामायनी की रचयिता कौन है, कामायनी की रचयिता कौन है, कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद है, कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए हो गया है, इसे सी कर दे रहे हैं। अगला सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन होगा रूपक, ऑप्शन होगा रूपक, डी ऑप्शन सही है। हृदय की बात कौन है, हृदय की बात कौन है, तो
तो श्रद्धा, हृदय की बात श्रद्धा है, ऑप्शन बी सही है। मलाई की बात कौन है, मलाई की बात कौन है, इसमें भी ऑप्शन होगा श्रद्धा, बी नंबर ऑप्शन सही है। निर्धर का शाब्दिक शब्द है, निर्धर का शाब्दिक शब्द है सुगंध, निर्धर का शाब्दिक शब्द सुगंध है, ऑप्शन ए सही। फ्रेंड्स ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चैप्टर में पुनः कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।